कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दे रहे थे, देखिए जरा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। इसके अगले ही दिन 15 मई को अपने भाषण में देखो क्या बोलते हैं। क्या गजनी हो क्या? पहली चीज तो कांग्रेस कभी ऐसा नहीं चाहती थी, ये बात सरासर झूठ है। लेकिन दूसरी बात, क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया आपको? जब से राहुल गांधी ने डिबेट के लिए इन्वाइट किया, टेंशन में आके गजनी कहें या फिर कहें अपरिचित, ये दोनों नाम बहुत तेजी से ट्रेंड हो रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। इन दोनों मूवियों के कुछ चित्र वायरल हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? ये हो रहे हैं सांभा नहीं, सांभा के सरदार नहीं, जुमलेबाजों के सरदार नरेंद्र दामोदर दास पलटू भाई मोदी की वजह से। क्योंकि ये तो उन्हीं की महिमा माया है कि किस तरह से वो किसी भी चीज को ट्रेंड में ला सकते हैं। ध्रुव राठी ने किस तरह से ये वीडियो शेयर किया और गजनी और अपरिचित को ला करके साथ में खड़ा कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी रूपरेखा में प्रस्तुत कर रहे हैं सारी चीजों को। वो भी एक अद्भुत कलाकार हैं। किस तरह से वो कलाकारी करते हैं कि ऑस्कर अवार्ड भी जीत जाए। बेवजह कंगना रनौत को दे दिया गया ऑस्कर अवार्ड, शायद लाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में दे देना। सॉरी, प्रधानमंत्री नहीं, अभी नहीं है वो। 4 जून को वैसे भी राहुल गांधी ने कहा कि बाहर होने वाले हैं। नरेंद्र दामोदर दास पलटू भाई मोदी जी के चरणों में ला करके रख देना चाहिए था सत्ता को। क्यों ऑस्कर अवार्ड इधर उधर दिया जाए? किसी को क्यों पद्मश्री दिया जाए? साहब को भी दे दीजिए, क्योंकि इतनी बढ़िया एक्टिंग तो कोई कर नहीं पाएगा। ना गजनी के आमिर खान कर पाएंगे, ना फिर वो अपरिचित। इस बात को समझिए। ध्रुव राठी ने जो वीडियो ट्वीट किया है साथियों, इसको समझिए कितनी बात प्रासंगिक। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दे रहे थे, देखिए जरा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। इसके अगले ही दिन 15 मई को अपने भाषण में देखो क्या बोलते हैं। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। मतलब क्या गजनी हो क्या? पहली चीज तो कांग्रेस कभी ऐसा नहीं चाहती थी, ये बात सरासर झूठ है। लेकिन दूसरी बात, क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया आपको? जब से राहुल गांधी ने डिबेट के लिए इन्वाइट किया, टेंशन में आके मतलब हिल गए हो क्या? खुद के संकल्प नहीं याद रहते, एक दिन पहले लिए गए। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह न हम इस्लाम के विरोधी हैं, मुस्लिम लीग की छाप है, न हम मुसलमान के विरोधी हैं। ये आग लगाने वाले कौन हैं? उनके कपड़ों से ही पता चल जाता। क्या ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए फिट भी है? आप ही बताओ दोस्तों। आपने वीडियो देखा साथियों कि किस तरह से प्रधानमंत्री एक दिन पहले, सॉरी, नरेंद्र दामोदर दास पलटू भाई मोदी जी एक दिन पहले कहते हैं कि मैं मुसलमानों के खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं सकता, मैं मुसलमानों की राजनीति तो कर ही नहीं सकता, मैं तो हिंदुस्तान की राजनीति करना चाहता हूँ, सेकुलर की राजनीति करना चाहता हूँ, आप अपने भाषणों को, अपनी बातों को मेरे मुंह में मत रखिए। और दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन वही अपरिचित और गजनी वाला माहौल बना देते हैं साहब, और कहते हैं कि ये मुसलमान कौन है, किनके खातों में ज्यादा से ज्यादा पैसा डाला जाएगा, मंगलसूत्र किस तरह से चोरी कर लिया जाएगा। ये तो पुराना बयान हुआ, नया बयान सुनिए कि किस तरह से बाराबंकी में बोल के गए हैं कल कि अगर सपा और कांग्रेस लोक सत्ता में आ गए तो ये जो मंदिर बनवाया है इस पर बुलडोजर चला देंगे। और कहते हैं योगी बाबा से सीखिए, बुलडोजर कहाँ चलाया जाता है, आखिर ये कहाँ का इशारा कहाँ हो रहा था उनका, वो कहाँ का इशारा कहाँ हो रहा था ये आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि योगी बाबा ने बुलडोजर कहाँ चलवाया है, किस आधार पर चलवाया है। वो कह रहे हैं योगी बाबा से सीखिए बुलडोजर चलवाना, और अपनी सुबह कही हुई बात को भूल जाते हैं, शाम को दूसरा भाषण देते हैं। गजब एक्टिंग की है बाबा आपने। और ध्रुव राठी ने किस तरह से धोया है, ध्रुव राठी ने बार बार नई नई वीडियो ट्वीट की है आपके सामने, और किस तरह से सच्चाई को रखा है। साथियों, अगर गोदी मीडिया इस तरह से सच्चाई को उठाने लगे ना, तो सत्ता 4 दिनों में उखाड़ के फेंक दी सकती है, सॉरी 4 जून को पूरी तरह से समाप्त हो सकती है। अभी भी वक्त है, गोदी मीडिया संभल सकता है, जो उसने किया है उसका पश्चाताप कर सकता है। साथियों, इस बात को आप समझिए, क्या गोदी मीडिया पश्चाताप करेगा? अगर पश्चाताप करता भी है तो उसके बाद भी 10 सालों तक जो उसने यहां पर गंध मचाई है, लोकतंत्र के 4th स्तंभ को ढा दिया है, उसको खड़ा कर सकेगा? किस आधार पर खड़ा कर सकेगा? जिस तरह से उसने समाज में लाइन खींच दी, लाइन नहीं, एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों बांट दिया है पूरी तरह से, क्या इसकी भरपाई की जा सकती है कभी? जिन बच्चों के दिमाग में एक कीड़ा बैठा दिया गया कि ये आपसे अलग है, ये आपके दुश्मन है, क्या इसको बैठाया जा सकता है? एक बात साथियों आपसे अंत में और कहूंगा, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं लोग, आपने एग्जाम दिया होगा तो पर्यायवाची शब्द आता है,
दो पर्यायवाची और याद कर लीजिए, आसानी हो जाएगी आपको नंबर पाने में। पहला, जुमलेबाज, अगर आता है कि जुमलेबाज का पर्यायवाची लिखिए तो सबसे पहले कौन सा नाम लिखना है आप जानते हैं। अगर झूठा, झूठा का पर्यायवाची लिखने को आता है तो सबसे पहले कौन सा नाम लिखना है ये आप जानते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि झूठा और जुमलेबाज या फिर जो किस तरह से लोगों को अपरिचित, गजनी, इनका पर्यायवाची क्या होगा, नाम को कमेंट करके बॉक्स में बताइए आप। और साथियों, दो बोल हमारे और आपके, हमारे और आपके जो दो बोल हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बोल सिर्फ हमारे नहीं आपके हैं, ये दो बोल हमारे और हमारे समाज के हैं, हमारे हिंदुस्तान के हैं। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आमिर खान, आज़ाद इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।